प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा को मोतियाबिंद हो गया है। इसके चलते ही भाजपा को प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा करवाया गया विकास नजर नहीं आता। रघु शर्मा ने दावा किया कि भले ही भाजपा कांग्रेस सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास को नाकारती हो, लेकिन प्रदेश की जनता का कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है। रघु शर्मा और अजमेर के प्रभारी लालचंद कटारिया ने आज अजमेर पहुंचकर प्रेस से वार्ता की और उससे पहले अजमेर के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अजमेर की सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। अजमेर के दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रेस वार्ता में एक तरफ जहां भाजपा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया तो दूसरी तरफ अपनी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को बखान भी किया। प्रेस वार्ता के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा विकास को गति दी जा रही है, लेकिन भाजपा को यह विकास नजर नहीं आ रहा। रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा की आंखों में मोतियाबिंद हो रहा है। रघु शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के विकास के दावे पर मोहर लगाई है, जिसका परिणाम पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है, जहां कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2018 में 17 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार का गठन हुआ। अभी 17 दिसंबर को 2 साल पूरे हुए। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से लगभग 500 वायदे किए थे। आप सब जानते हैं कि सदी की भीषणतम महामारी दुनिया झेल रही है, देश झेल रहा है, हम भी, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। लगभग एक वर्ष कोरोना महामारी से मुकाबला करने में निकला, इसमें फिर भी 252 वायदे हमारी सरकार ने पूरे किए। ये 2 साल में चुनावी घोषणा पत्र के आधे से ज्यादा बिंदुओं पर राजस्थान की जनता को हमने परिणाम दिए। इस अवसर पर रघु शर्मा ने प्रदेश में हुए विकास को गिनवाते हुए दावा किया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 500 वायदे जनता के साथ किए गए थे, जिनमें से 252 वायदों को मच 2 साल के समय अवधि में पूरा किया गया। रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर भी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अनुसार इसी साल मार्च में जब कोरोना ने राजस्थान में प्रवेश किया तो राजस्थान में कोरोना टेस्ट की सुविधा तक नहीं थी, लेकिन वर्तमान में 60,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता को विकसित कर लिया गया है। रघु शर्मा ने दावा किया कि आगामी 2 महीने में इस क्षमता को बढ़ाकर 1,00,000 टेस्ट प्रतिदिन कर दिया जाएगा। रघु शर्मा के अनुसार राजस्थान देश के उन राज्यों में अव्वल है जहां कोरोना के गुणवत्ता वाले RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट को लेकर कोई संशय नहीं रहता है। अजमेर में JLN मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग, वहां खेल मैदान, वहां पे नए बच्चे और बच्चियों का हॉस्टल, उसके लिए हमने जमीन अलॉट कराई। अभी जमीन अलॉट हो गई, अब नेक्स्ट मंथ में जनवरी में इस काम की शुरुआत हो जाएगी। हमारे पास पर्याप्त पैसा है। कितने सालों से ये पुरानी बिल्डिंग थी या नए भवन की ज़रूरत थी। ज़िले में भी एक जिला अस्पताल भी बना है नया केकड़ी में, और बाकी सारी सूची हमने इसमें दी है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो पूरे ज़िले में किस तरह से मजबूत किया हमने। सर, मेडिसिटी की एक योजना थी 2,500 करोड़ की, तो वह भी स्थगित है या अपनी योजना में शामिल है? कोरोना आने से प्रायोरिटीज तो सारी बदली है, अभी पूरा फोकस लोगों की जान बचाने पर है, लेकिन ये स्कीम खत्म नहीं हुई है, ये भी होगी, लेकिन अभी प्रायोरिटी सेक्टर चेंज है। देखिए सरकार को। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री व अजमेर के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने भी अजमेर जिले में सरकार के 2 साल की अवधि में करवाए गए विकास कार्यों को लेखा जोखा प्रस्तुत किया और बताया कि किस तरह से राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी के समय सरकार जनता के साथ खड़ी रही और इस महामारी के दौरान भी किसी भी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया गया।
राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से जो जन कल्याणकारी सरकार बनी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, इस 2 साल के कार्यकाल में आपके जिले की जो उपलब्धियां रही वो तो इसमें प्रेस नोट में है, पर जिस प्रकार से रघु शर्मा जी ने बताया कि देश दुनिया और प्रदेश के सामने जो कोरोना का चैलेंज आया और जो महामारी चल रही है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आगे ये किस रूप में रहेगी, उसके अंदर राजस्थान सरकार ने और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मॉनिटरिंग करते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में, अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों जिस तरह का संवाद करके लगातार 150 VC के माध्यम से प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया। अन्य विभागों की लगातार VC करते रहे और मैं ये कह सकता हूँ कि भारी आर्थिक तंगी के बावजूद भी प्रदेश को संभालने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। आने वाले समय में जो चैलेंज हमारे सामने है और जो कमियां रही है, जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा सभी विभागों की समीक्षा बैठक लगातार चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, सरकार की पूरी नज़र है। पर यह बात सही है जिस प्रकार से अखबार में वापस पढ़ने को मिल रहा 2 दिन से कि यूरोप के कई देशों में कोरोना ने अपना एक यूटर्न सा लिया है और पॉजिटिव जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ी है, कई देशों की फ्लाइटें वापस बंद की गई है। हिंदुस्तान में भी भारत सरकार ने कई फ्लाइटों पर रोक लगाई है अन्य कंट्रीज से, तो प्रगति का जो रास्ता है वो लगातार प्रदेश सरकार आम आदमी के साथ में है। कोई आदमी भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई के माध्यम से या हमारा जो PDS सिस्टम है उसको मजबूत करते हुए आम आदमी का ध्यान रखा गया है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा है हमारी सरकार का, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में हमारा जो घोषणा पत्र था उसके अनुसार काम हुआ। सीएम साहब ने ये भी कहा था कि हर महीने प्रभारी मंत्री जो है वो जन सुनवाई करेंगे, पर यह एक ही बात जन सुनवाई नहीं हुई है 2 साल में। जीएम साहब ने ऐसा कि आपकी 2-3 महीने आपको भी होगा, देखिए कोविड का जो प्रोटोकॉल है ना, इसका प्रोटोकॉल के चक्कर में अभी जैसे पंचायत चुनाव आए लगातार मंत्रियों के भी हो रहे हैं, लगातार आचार संहिता चल रही है, अब इसी से इकट्ठी हो रही है, जन सुनवाई भी हो सकती है। नहीं तो देश में चुनाव भी हो, ऐसी बात 2 साल में एक बार भी नहीं हुई है, कोविड तो अभी 6 महीने से आया। नहीं मैं तो पहली बार आया था, एक बार लेके गया हूँ। जन सुनवाई कहाँ की आपने? जन सुनवाई तो वो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत।